जहाज जमीन पर उतर गया है, आपकी अपनी सलामती और दूसरों की सलामती के लिए बराए करम अपनी नशिस्त पर सीट बेल्ट बांधे। Hi guys, welcome back. Thank you so much for all the appreciation for my last vlog and welcome to my second vlog. इस vlog में हम दुबई से आगे तक यानी कि रोम तक का सफ़र करेंगे and as you can see हम प्लेन से बाहर आ चुके हैं और हम एक मेट्रो में जा रहे हैं। दुबई का एयरपोर्ट बहुत बड़ा है और एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल पे जाने के लिए आपको बसेस लेनी पड़ती हैं। एक बहुत फ़नी इंसिडेंट इस फ़्लाइट का कि इस फ़्लाइट में मेरे अलावा एक और लड़की थी और बाकी सब मर्द थे। एनीवेज अब हम जा रहे हैं अपनी कनेक्टिंग फ़्लाइट की तरफ जो कि थी फ्रॉम दुबई टू रोम और आपको बहुत ज़्यादा चलना पड़ता है, अपना गेट ढूंढना पड़ता है, अपना टर्मिनल ढूंढना पड़ता है और हमारे पास सिर्फ 1 आवर था ये सब कुछ करने के लिए। तो हम जल्दी से प्लेन से निकले, मेट्रो ली, दूसरे टर्मिनल पे गए और नेक्स्ट हमने इमिग्रेशन की और अब हम एक और मेट्रो पे बैठ रहे हैं क्योंकि इमिग्रेशन एक पॉइंट पे थी और हमारा जो गेट था वो एक और पॉइंट पे था। तो अब हम उस टर्मिनल पे जा रहे हैं जिस टर्मिनल में हमारा फ्लाइट गेट है। सो फाइनली आफ्टर 40-45 मिनट्स ऑफ वॉकिंग ये हमारा लास्ट एस्केलेटर था और इसके बाद हमारा गेट प्लेन गेट आ गया था। और आई सजेस्ट कि आप बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल और इजी शूज़ पहने क्योंकि एयरपोर्ट्स पर बहुत चलना पड़ता है और भागना भी पड़ता है। ये जो एरिया है इसको बोलते हैं गेट्स और एमिरेट्स के एयरपोर्ट पे बहुत ज़्यादा गेट्स हैं और इसीलिए बहुत टाइम लगता है अपना गेट ढूंढने में। बट वंस आपको अपना गेट मिल जाए, आप वहाँ पे सिटिंग एरिया होता है जैसे कि मैंने भी दिखाया, आप वहाँ पर बैठ सकते हैं और वेट कर सकते हैं। हमारे गेट के पास ये बहुत बड़ा और बहुत ही फैसिनेटिंग कैंडी स्टोर था लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं था कुछ भी चेकआउट करने का। हमने सिर्फ अपना जल्दी से गेट ढूंढा और उसको ढूंढने में इतना टाइम लग गया और उसके बाद हमारे पास सिर्फ 20 मिनट्स थे जिसमें हमने कुछ खाना था। सो हमारे बिल्कुल पास, हमारे गेट के बिल्कुल पास मैकडोनल्ड्स था, सो वी डिसाइडेड टू गेट अ फ्यू थिंग्स फ्रॉम देयर। ओके, सो एक शॉर्ट ब्रेक के बाद हमारा प्लेन बिल्कुल रेडी था बोर्डिंग के लिए, तो हम फिर जल्दी से हमने वाइंड अप किया और हम बोर्डिंग चेकिंग वगैरह करवा के अपने पासपोर्ट्स की, टिकट्स की, और अब हम उस लॉबी में हैं जहाँ से प्लेन में बोर्ड करते हैं।
मुझे एमिरेट्स बहुत पसंद है, इनके सारे प्लेन्स बहुत अच्छे हैं, बहुत कंफर्टेबल, द फूड इज़ रियली गुड, द एंटरटेनमेंट सिस्टम इज़ वेरी गुड. प्लीज़ लीव अ कॉमेंट बिलो टेलिंग मी कि ये कौन सी मूवी थी जो मैंने प्लेन में देखी. राइट द नेम ऑफ दैट मूवी. और बहुत ही कामिंग माहौल होता है प्लेन का, और ये बहुत अच्छी लाइट्स भी वो ऑन कर देते हैं नाइट मोड बनाने के लिए. एंड ट्रस्ट मी, दिस इज़ नॉट अ पेड प्रमोशन ऑफ एमिरेट्स. तो 8 घंटे के सफ़र के बाद वी फाइनली गॉट द फर्स्ट ग्लिम्प्स ऑफ द रोमन सन. यप. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग. और नेक्स्ट आई विल शो यू द फर्स्ट इम्प्रेशंस ऑफ रोम. थैंक यू सो मच. एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़. थैंक यू. बाय.